जानवर की आवाज़ आई। ये कौन से जानवर है? रात के 10 बज चुके हैं भाई, दोबारा पैकिंग करनी पड़ रही है भाई, और उधर से थक चुके हैं। खुले में टेंट लगा रखा था ना, बाहर फोगी फोगी सा, मतलब ओस ही पड़ी है ना, गीला सा हो गया। टिकलू भाई की आवाज आ रही है, उठ गया है क्या? सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सनराइज हो रहा है, मस्त। ओके ब्रावा, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की अपनी मॉर्निंग हो रही है जी गुजरात के जामनगर से। कल जामनगर होते हुए टिकलू भाई का चार्जर लेने के बाद ना, जामनगर से थोड़ा ही बाहर निकल के जहाँ पर ये सामने मेन हाईवे आ गया था, हाईवे क्रॉस करके ना यहाँ पर कैंप लगे हुए थे। आपको पता है द्वारका जा रही संगत, उनके रहने खाने पीने के लिए ना जगह जगह कैंप लगे हैं। तो उन कैंप के पीछे अपने टेंट लगा लिए थे तीनों भाइयों ने। ये मेरा टेंट, ये वो केरला वाले भैया का टेंट, वो टिगलू भाई का टेंट। तीनों ने टेंट लगा लिया था। रात को नींद बहुत अच्छी आई भाई, क्योंकि ना रात को मौसम यहाँ बहुत ठंडा हो जाता, मज़ा आ गया। अभी रात को, दिन में गर्मी हो जाती है, पर रात को मौसम अच्छा हो जाता है। और भाई अभी सुबह सुबह का कुछ ऐसा माहौल है, देखना सूर्य देवता निकल रहे हैं भाई, कितना मस्त माहौल है। और नीचे वो मेन हाईवे है, वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ट्यूबवेल है। जो खेतों में किसान पानी लगाते हैं ना, वो ट्यूबवेल बना होता है, तो वहाँ पानी की व्यवस्था थी। मैं नहा के आ गया, टिगलू भाई वो सामने नहा रहे हैं भाई। तो नहा के दोनों भाई रेडी हो चुके हैं। ये भैया अभी नहा के, हेलो, रेडी हो चुके हैं। सामान दोनों भाई ने पैक कर लिया, टिगलू ने और इस भैया ने पैक कर लिया। अब बारी है मेरी सामान पैक करने की, जल्दी से पैक करते हैं। और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही, सूर्य देवता ऊपर आते जा रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं भाई। तीनों भाई ने सामान साइकिल पर बांध लिया, जाने के लिए रेडी हो चुके हैं भाई। और थोड़ा बहुत जो पड़ा है ना अपना एक्स्ट्रा सामान उठा लेते हैं, ठीक है? कौन सा? अरे ये तो, ये भी उठाएंगे। खाना रेडी है? आगे यहाँ तो नहीं है ना, चाय पानी पी के निकलते ना। चलो भाई, चलो मेरी सेना। भाई निकल चुके हैं सुबह सुबह भगवान का नाम लेके तीनों भाई अपनी आगे की यात्रा की ओर। अगर तो जा ही रहे हैं, साथ में जो गाड़ियों में जा रहे हैं ना, वो संगत और भी ज्यादा है। जामनगर में ना एयरपोर्ट है, तो यहाँ से फ्लाइटें उड़ती रहती हैं, सारी रात उड़ती रही, पूरी आवाज करती थी, बड़ी लेट जाके नींद आई। तो भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे ना, पूरा क्राउड होने लग गया है। रात हम ना जिस कैंप के पास रुके थे, वो कैंप पुलिस वालों का था, पुलिस वाले उसको चला रहे थे। तो अभी एक और वैसे कैंप दिखा, वहां भी पुलिस वाले बैठे थे, वही चला रहे थे। गन्ने का जूस पिलाने वाले हर आपको 150 मीटर पर मिलते रहेंगे, इतना जूस है, इतना जूस है, जबरदस्ती पिलाते हैं भाई। तो यहाँ पर ना एक शिविर लगा है, खाना भी रेडी है, भाई लोग वापस आ रहे हैं, यहाँ चले। चलो फिर, चलो 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 चलो, ये वाला शिविर है, यहाँ आइसक्रीम वगैरह खाने पीने की सारी व्यवस्था है। इधर संगत कुछ नीचे बैठी है, कुछ खाना खा रही है। आज नहा के जो पैंट डाली ना, लोअर डाला है, उसके अंदर ये मेडिसिन पड़ी थी वोमिटिंग वाली, आज मिली। जिस दिन टिगलू भाई की जरूरत थी उस दिन मिली भी नहीं। क्या आइसक्रीम? ओ ये बोल ही रहे थे अभी। कौन? हाँ बोल रहा था, मेरे को वो दिखी ना, मैं कहा आइसक्रीम है यहाँ पर। एक ये दे दो, बस ये रहने दो, सब्जी डाल दो। चावल डाल दो। थोड़े थोड़े से और, ज्यादा नहीं। जा भाई, टिकलू भाई पीछे रह गया। तो भाई इधर देखो क्या क्या, मतलब खाना बहुत ही अच्छा है। ये लड्डू है भाई,
किस किस चीज़ का बना है, काफ़ी कुछ मिक्स करके साथ में बर्फी, पापड़, चावल और ये आलू जैसे फिंगर फ्राई करके होते ना वैसे, साथ में मूंगफली के दाने और साथ में कड़ी आलू की सब्जी और साथ में ये सलाद, मतलब हेल्दी खाना बोल सकते हैं, है ना, सही है ना। तो भैया अभी ना खाना पीना हो चुका बहुत ही बढ़िया वाला, तो अभी ना थोड़े रेस्ट करके ना फिर निकलेंगे, खाना पच जाएगा ना फिर चलेंगे, नहीं तो साइकिल पे आपको पता ही क्या होता है अगर खाना खाते ही निकल जाए, ठीक है ना। और ऊपर से गर्मी भी है ना। हाँ गर्मी आज थोड़ी सी ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे उधर जा रहे हैं ना टेम्परेचर थोड़ा कम है उधर का, हाँ कोस्टल एरिया होने का। ओ भाई ये पता नहीं लस्सी है, आइसक्रीम में ना फ्रूट डाल रखे काट के। तो भाई यहाँ पर ना काफी देर आराम कर लिया, हम सोच रहे भी चलते हैं। एक तो यहाँ गर्मी ज्यादा लग रही है, ये टेंट सा है ना ऊपर ये तप जाता है, गर्मी ज्यादा लग रही है और वैसे भी खाना पीना पच चुका है। और टिगलू भाई पहले यहाँ पर लेटे थे, अपने भाई उठ चुके हैं वो भी, इधर टिगलू भाई लेटे उठाते हैं और चलते हैं भाई बाहर, मौसम बल्कि इससे अच्छा है, यहाँ पर ज्यादा गर्मी लग रही है। टिगलू भाई चल चलते हैं, यहाँ गर्मी ज्यादा, वो पसीना देख इसको कैसे आया हुआ है, बाहर मौसम अच्छा है, किसी पेड़ की छाव में बैठेंगे, यहाँ गर्मी ज्यादा लग रही है। भाई सीट ना बिल्कुल गर्म हो चुकी, तप गई है सीट, देखना चेक करके गर्म है ना। मेरे को ना पीछे कुछ भाई लोग मिले, मैंने पूछा भैया द्वारका कब तक पहुंच जाओगे, वो बोल रहे हैं भैया हम तो धीरे धीरे आएंगे क्योंकि वहां पर क्राउड ज्यादा है, उनके साथ वाले कुछ गए हैं, बोल रहे वहां पर एक तो क्राउड ज्यादा है और दूसरा वहां रहने की व्यवस्था नहीं हो रही भाई, बाहर तक जाम लगा ना, वो बोल रहे हैं मैं धीरे धीरे जाएंगे जब होली खत्म हो जाए क्राउड कम हो जाएगा ना फिर अच्छे तरीके से खुले तौर पर दर्शन करेंगे भाई, और अब तो दर्शन भी नहीं हो पा रहे भैया। जय द्वारका दी, सच्ची भाई अगर दो तीन दिन ना लगातार इस रास्ते पर चलते रहे ना तो या तो बीमार हो जाएंगे या पेट फट जाएगा भाई। सामने टोल टैक्स है, चलते चलते ना यहाँ पर ये दुकान दिखाई थी, शेड था और पेड़ पौधे थे ना, तो नीचे छाँव थी, ठंडी ठंडी हवा रही थी, तो हमने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट लिया और यहाँ पर एकदम से कितनी भीड़ आ गई भाई, कितनी बड़ी बड़ी भीड़ है। तो अभी ना यहाँ से नराड़ा बीच, नराड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा लो, वो यहाँ से 36 किलोमीटर है, हम सोच रहे वहीं चलते, बीच है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है साथ में वो, अच्छा हाँ तो वहीं पर है जो कुछ है देखने का, तो हम सोच रहे वहाँ पर चलते हैं भाई, आज शाम तक पहुँच जाएंगे, शाम तक क्या 36 किलोमीटर छत्तीस है, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। रास्ते में चलते चलते मीठा पानी जूस वगैरह पी तो लेते हैं, ये मीठी लस्सी वगैरह, पर उसके बाद ना प्यास और ज्यादा लग जाती है। तो भाई पानी का नाम लिया और पानी मिल गया भाई, भैया पानी है, पानी 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 दे दो, लस्सी तो ये लस्सी है, चलो एक पी लेते हैं। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम हरिद्वार, नहीं नदी का हरिद्वार, अच्छा मंदिर का नाम तो हरिद्वार होगा भाई, कितनी अच्छी जगह देखो, हरिद्वार मंदिर का नाम है और साथ में काफी बड़ी रिवर है। 2 बज चुके हैं भाई और गर्मी अपने पूरे पीक पॉइंट पर आ गई है, दो तीन इस टाइम तो गर्मी पूरी कड़ाके वाली होती है, तो अभी देखते कोई सही सी जगह देख के ना, तो पेड़ की छांव मिले ना वहां रुक जाते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। बहुत गर्मी है जी, बहुत ही ज्यादा, और यहाँ वही ठंडा ठंडा पानी दे रहे हैं ऐसे छोटी छोटी थैलियों में, जैसे दूध की थैली होती है या लस्सी की थैली होती है ना वैसी में, ये 2 रुपए की एक थैली है 200 ग्राम की पानी की ठंडी ठंडी। मैंने एक बार चेन्नई गया था ना तमिलनाडु, अच्छा अच्छा उधर मिलती है, हाँ वहाँ ऐसे मिलता है, ठीक है। और चल इधर जामुन का पेड़ है, इसकी छावा इसके नीचे आराम करते हैं भाई, चलो बैठो फिर। और भाई इस जगह का नाम है ये मोती खावड़ी, जहाँ पर अभी स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए, इससे आगे चल के फिर जानखार ऐसी कुछ जगह आएगी, वहाँ से हमारा रास्ता राइट साइड हो जाएगा नराड़ा बीच की ओर भाई। चलो भाई मौसम भी ठंडा हो चुका है, दोनों भाई क्या यार ऐसे बोलोगे,
मजे ले रहा है। चले फिर किन्ने किलोमीटर टिकलू नराड़ा बीच? 32 है तो लगभग 2 घंटे लगा ले, 2.5 लगा ले, 3 लगा ले, 4 लगा ले, अपना ही टाइम है, जितना मर्जी लगा ले, ठीक है। और साइकिल है पहले पहुंच जाएंगे आज नराड़ा बीच, कल दिखा देंगे, आज पहुंच जाएंगे वहां तक। खाने पीने का भी देखना पड़ेगा क्योंकि इस मेन हाईवे से अलग है ना रास्ता, तो शायद उधर खाने पीने का ना कुछ मिले। चलो भाई टाइम से चलते हैं फिर। चलो भाई यहाँ पर मैं बैठा था क्योंकि यहाँ ना इस पेड़ की छांव आती है, तो भाई मौसम सही हो चुका है, हल्के हल्के से बादल हो गए हैं, ज्यादा तो नहीं होंगे बट ठीक है, अपना काम चल जाएगा। हाईवे का जो डिवाइडर है ना, फूल बड़े अच्छे अच्छे लगा रखे है, देखना कितने कलर के फूल है, पूरा कलरफुल हो रखा है भाई। इधर चेक करो भाई कितना खूबसूरत है, और सामने पता क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, कितना खूबसूरत बना रखा भाई। सोमनाथ 216 किलोमीटर, द्वारका 102 और पोरबंदर है 87 किलोमीटर। द्वारका 96 सीधा, पोरबंदर 80 और ये वाड़ीनार लिखा ना 13 किलोमीटर राइट साइड, तो आगे यहाँ से रास्ता जाएगा जो वाड़ीनार वाला ना, वो जाएगा नराड़ा बीच सीधा। धन्यवाद धन्यवाद। यहीं से थोड़ा थोड़ा राइट हो जाते हैं क्योंकि ये राइट मोड़ना ना, आगे से अपनी साइड दबा लेते हैं। चलो भाई ये वाला रास्ता जाएगा, वो पानी गिर गया भैया का, वो आगे देख उड़ाता आ रहा है, चल चल चल। अरे यहाँ तो निकल जा, यहाँ रोक ले, मेरे को लगता है यहाँ भी ना आगे समुंदर किनारे को पोर्ट है। ऊबड़ खाबड़ सा एरिया आ गया इधर सारा, यहाँ भाई ढाबे भी बहुत है, और जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ भी देखना कितने टैंकर खड़े हैं, और वो आगे देखो भाई वो भी टैंकर ही टैंकर खड़े हैं, और वहाँ भी ढाबा है। अभी ना एक गांव सा आ गया, नाम तो पता नहीं है, पीछे ने कंपनी सी गई है नायरा एनर्जी लिखा था, नायरा NAYARA एनर्जी ऐसा लिखा था, तो वहाँ तक ही गाड़ियाँ आ रही थी, पता नहीं आगे तक क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं आ रही, क्या अब तो वो गाड़ी बंदरगाह तक जाती नहीं जाती, शायद वहीं से तेल वगैरह लेके जाती होंगी। मैं हरियाणा से नराड़ा बीच जाके है ना, तो वहाँ है देखने का कुछ? हाँ रुक सकते हैं वहाँ, खाने पीने के ढाबे हैं वहाँ कुछ, बारी ना गाँव वहाँ क्या ढाबा है, होटल मिल जाएगा? अच्छा अच्छा बिरयानी वेज आगे मिलेगी। 5:30 का टाइम हो चुका है, एक तो आगे से हवा पूरी तेज, और दूसरा भैया बता रहे आगे खाने का कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धालु अब भी जा रहे हैं यहाँ से पैदल यात्रा वाले, जैसे जैसे आगे जा रहे ना सुनसान से एरिया तो जा रहा, देखना जितेंद्र सिंह आपका नाम क्या है? मोरी देवराज। और गांव का नाम क्या है? सिंगच। ठीक है, और वो कितना रह गया वाडीनार कितना है? 3 किलोमीटर। खाना मिल जाएगा वहाँ पक्का? स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में? छठी में। आपका घर किधर है? ये देखो भाई बिल्कुल पुराना पुराना कल्चर जैसे होता ना, वैसे ही वैसे चलने वाली रेडी बोलते हैं पुराने कल्चर वाले। हाँ हाँ अच्छा आपका घर है, स्कूल किधर है? कहाँ पर? वाडीनार में? वो वाडीनार से आगे है। ओके ओके चलो ठीक है। अब ना फिर से ट्रक आना शुरू हो गए हैं, नहीं तो पहले कोई नहीं आ रहा था, इन ट्रकों में पता क्या आ रहा है, नमक आ रहा है। राजस्थानी स्वीट एंड नाश्ता सेंटर, तो यहाँ देखते हैं खाने पीने की व्यवस्था हो जाए ना, तो आसपास ही कैंपिंग कर लेंगे कहीं।
अभी ना भैया जी से पूछा भी आगे कुछ खाने का मिल जाएगा, बोल रहे आगे ना दो तीन होटल है छोटे छोटे, वहाँ पता कर लेना, कुछ ना कुछ खाने का जरूर मिल जाएगा। ठीक है फिर वहीं चलते हैं, अगर किस्मत में हो तो मिल जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चले टिकलू भाई, चलो भाई। समुंदर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, एक तो हवा ही तेज आए जा रही बार बार, मौसम भी ऐसे बादल बादल वाला सा लग रहा है। राइट साइड रास्ता जाते हैं, जाते हैं क्रूड ऑयल टर्मिनल। कौन कौन सी है और दूसरी, और तेल कहाँ जाता है यहाँ से? पाइपलाइन से। अच्छा, इतनी दूर लेके गए हैं। ठीक है जी, चलो धन्यवाद। तो ये भैया वाडीनार से हैं, बोरे आधा किलोमीटर वाडीनार रह गया। ये है जी वाडीनार गांव भाई, और यहाँ से नराड़ा टापू 8 किलोमीटर, छोटा सा गांव वाडीनार, श्री वाडीनार प्राथमिक शाखा। जब ऐसे किसी गांव में जाते हैं ना, गांव से निकलते हैं, बच्चे बड़ा खुश होते हैं देख देख के। तो भैया जी बोल रहे हैं भाई यहाँ तो कटाब। हाँ जी माजा, कुछ नहीं नाना, पानी की बोतल ले ले एक बस। हाँ पानी की बोतल, कुछ नहीं बस नाना, ना कुछ नहीं बस। तो भैया जी बता रहे आगे ढाबा कुछ है नहीं है, यहीं से खाने पीने का मिल जाएगा। अभी ना यहाँ से पानी छानी ले लिया हमने, कि आप आगे पानी मिले ना मिले, खाने पीने की व्यवस्था तो यहाँ हो जाएगी। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि आपको बताया जहाँ भी चले जाते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर बच्चे खड़े सारे, और भाई लोग अपना साइकिल देख रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है, पूरी रौनक मेला हो गया इधर देखना। जब से हम आए ना सारे इकट्ठे हो गए। ओके 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 जी। तो भाई यहाँ पर ना हल्का फुल्का खाने पीने के लिए मिल गया था, बिरयानी वगैरह मिल गई थी, वेज बिरयानी वगैरह वो खा लिया थोड़ी थोड़ी, अपना जितना भी हुआ काम चल जाएगा, रोटी तो मिली नहीं है, चलो कोई ना अपना रात का गुजारा हो जाएगा। यहाँ पर ऑयल की कंपनी वगैरह ना, तो यहाँ पर ना कुछ केरल वाले भैया भी मिल गए, तो भैया से बातें चीतें कर रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। तो हेलो भैया, सभी को हेलो, हेलो हाय। तो ये सभी भैया केरल से सभी, तो भैया के मिल गए बातें चीतें करने लग गया। बराना लेफ्ट। तो भाई इस जगह का नाम है जी पोर्ट कॉलोनी, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दीनदयाल पतन प्राधिकरण अब तक तेल टर्मिनल, मतलब दीनदयाल के नाम से है ना टर्मिनल है, जहाँ पर समुद्री जहाजों से कच्चा तेल आता है। तो भाई ये पता नहीं हमने क्या क्या लिया, उड़न वड़ा, उड़न वड़ा, एक बिंदु वड़ा होता है उड़न वड़ा, ये उड़न वड़ा है, साथ में क्या है ये चटनी, कौन सी वाली खाए जा रहे हो, पता नहीं कौन सी खट्टी मीठी मिर्ची, और इसमें क्या कड़ी सांबर, तुमने खाया सांबर? अच्छा ये खा रहे हम यहाँ पर। और सभी भाई बोल रहे हैं यहाँ से नराड़ा ही, नराड़ा यार कैसा नाम, गरारी हटके जाते नराड़ा ही पहुंच जाओ, फिर वहाँ रुकने की जगह अच्छी हो जाएगी आपकी। IOCL कॉलोनी भाई, वेलकम टू IOC कॉलोनी वाडीनार। हाँ जी चले टिकलू, चलो 8 किलोमीटर है, पहुंच जाते वहां रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी, चलो बगाओ फिर। ये पता नहीं तेल के कुएं नहीं बोलते हैं, हम बड़े बड़े हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भाई देखो टैंक नंबर SS12 है, क्षमता 85,000 KL। सनसेट हो गया, पता भी नहीं चला भाई, वहाँ खाने पीने में उलझे रहे, सनसेट भी अच्छा दिखा, चलो कोई ना। तो भाई यहाँ से सारा समुद्री सा इलाका शुरू हो गया, और बीच बीच में रास्ते बना रखे, जैसे खेत होता ना तो वैसा कुछ बना रखा है, देखना बीच बीच में रास्ते हैं, और सारा पानी पानी है, इधर भी बांध बना रखा है, मजा आएगा। देखो भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अब देखो दिखना सही कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 7:15 के करीब का टाइम हो चुका, आगे ना एक ऐसे तिराहा आ गया भाई, लेफ्ट जाता DPA JT कोई है 5 किलोमीटर शायद पोर्ट की तरफ, और राइट नराड़ा 3 किलोमीटर दिखा रहा भाई, ये ऐसी कोई चेक पोस्ट सी है भाई, ये सीधा मेन रास्ता गया, और हमें जाना इस कच्चा छोटा सा टूटा फूटा रास्ता है। हेलो भैया कैसे हो? अच्छा आप ही भागते आ रहे थे, कहाँ से हो? पीछे जो गाँव है वहाँ से हो? अच्छा अच्छा सर, वैसे कहाँ से हो आप? ओह वाह झारखंड वाले, तो आगे कैसा माहौल, रुकने की कैंपिंग करने की जगह मिल जाएगी कोई? कैंप करने की जगह तो मिल सकती है। नराड़ा जो चीज है, हाँ। जो नराड़ा है मेन, वहाँ पर मिल जाएगी? मिल जाएगी। वो खाली एरिया है वहाँ पर? खाली एरिया है।
अच्छा ये सारा समुन्द्र ही शुरू हो गया ना। और आगे तक ये सारी ऑयल की फैक्ट्री क्या चीजें दिख रही जो क्या लगी है? अच्छा 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 यहाँ से पाइपों के सहारे जाता है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर जाके रिफाइन होता सारा। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। ये तो रास्ता भी कैसा आ गया भाई, सारा कच्चा रास्ता है। मतलब वो रहने का नहीं है। अच्छा इससे बेहतर है गांव में आप रह जाओ। नहीं जैसे इस तरफ आप जाइए वो जेपी की तरफ एक दरगाह है ना। अच्छा हमें कोई जगह मिल जाएगा जहां पे कैंप है वहां पे मिल जाएगा। टेंट है हमारे पास, टेंट का भी जगह मिलेगा, पानी वगैरह भी है पीने का। अच्छा जी ये सड़क है ना। हां हां सड़क के आगे जाके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा कि नराड़ा में कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ हो जाएगी व्यवस्था रुकने की। अच्छा जी हाँ 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 अच्छा जी ठीक है ठीक है हाँ हाँ अच्छा जी। तो भाई समस्या पीछा नहीं छोड़ रही आज, इधर भी 2 किलोमीटर है पर भैया बोल रहे वहाँ पर CISF वाले और जो गार्ड वगैरह वो आपको रुकने नहीं देंगे कहीं भी। अगर बोल और तो रुकने देंगे मुझे लग रहा है, साइकिल से रुकने देंगे ना कोशिश करने से। हम क्या करेंगे? हाँ भी हम क्या कर सकते हैं, वापस कैसे हैं? बहुत मान जाएंगे यार। और उधर जाएंगे 2 किलोमीटर उधर भी एक जगह रुकने के वहाँ बोल रहे थे दरगाह कुछ बोल रहे। हाँ तो उधर चले गए तो वहाँ उधर कोई दरगाह वगैरह है, अगर उधर चले गए और वहाँ भी कोई व्यवस्था सही ना बनी तो दोनों तरफ से रह जाएंगे। टिकल भाई क्या सोचता है क्या करें? पूरा कंफ्यूजन है। एक काम करते हैं जो भी आगे निकल के देखते हैं फिर देखते हैं। चले फिर नराड़ा ही 2 किलोमीटर सारा रह गया है। नराड़ा के वो पास कैंपिंग कर सकते हैं? यहाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी तो अभी भैया जी बता रहे जो पहले गए वो मेन थे यहाँ के इंचार्ज थे, तो भाई जब इंचार्ज ने मना कर दिया था। एक नहीं है इंचार्ज डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा तो डिपार्टमेंट है CISF है। ठीक है ठीक और तो उन्होंने मना कर दिया तो यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है अभी वापस ही चलते हैं। टेक लो फिर कहाँ से चले? वहीं चले जहाँ भैया बता रहे दरगाह के पास ही चले। चलो भाई हाँ तो ठीक है भाई वापस चल चुके हैं। भैया जी बता रहे दरगाह है आगे वहाँ उसके आस पास खाली जगह है वहाँ रुक सकते तो पानी वगैरह भी मिल जाएगा। तो भाई रात के 8 बजने को रखे हैं, पूरा अंधेरा हो चुका है, दोबारा उसी हाईवे पे आ चुके हैं। भाई ये देखो जानवर की आवाज़ आ रही है, ये कौन सा जानवर है? फॉक्स वगैरह भैया बता रहे थे यहाँ पर उनकी आवाज़ें आ रही है। तो भाई ये दरगाह एक तो अंदर कोई है ही नहीं, आवाज़ें उज्जे लगा रहे हैं दोनों भाई। होगा भी कैसे भाई, कुंडा बाहर से खोला ये भी दिमाग नहीं लगा रहे भाई, कुंडा बाहर से खोला है तो अंदर कैसे कोई होगा। रात के ना 9 के करीब का टाइम हो चुका है, तीनों भाइयों के टेंट लग चुके हैं लाइन में, यहाँ मेरा यहाँ दूसरे केरल वाले भैया का और साइड में टिकलू भाई का, उधर सामने इन दोनों के साइकिल खड़े हैं, मेरा साइकिल इधर खड़ा गेट के पास और ये सामने दरगाह है। ठीक है भैया पानी की व्यवस्था थी, मुँह धो लिया अच्छे तरीके से, तो बस ठीक है थक गया बहुत ज़्यादा क्योंकि लगातार चलते रहे और अब जो शाम को परेशानी होती है ना ये और ज़्यादा थका देती है। ठीक है बाकी कोई ना, हम काफ़ी खूबसूरत जगह पर आ चुके हैं, सुबह जब दिखाएंगे ना फिर देखना क्या मस्त जगह है भाई, मज़ा आ जाएगा। गांव में गांव तो दूर हो, गांव कितने किलोमीटर है? गांव तो 6-7 किलोमीटर होगा बाबा यहाँ से। सुबह 5-6 बजे तक चले जाएंगे हम यहाँ से। ए भाई मना है बोल दिया ना। ठीक है चलो भी पैकिंग कर लो। ठीक है बाबा कोई नहीं चलो कर लो पैकिंग फिर चलते हैं आगे, वापस चले गांव में या आगे देखते हैं आगे चलते हैं। दूसरे आदमी को रहने का मना है। अच्छा जी चलो ठीक है। हाँ जी ये जंगल है जो रोज आता है वाला है। अच्छा अच्छा रात के 10 बज चुके हैं भाई, दोबारा पैकिंग करनी पड़ रही है भाई और उधर से थक चुके हैं। चलो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, निकलना पड़ेगा यहाँ से। चलो भाई रात के 10:30 हो चुके हैं, पैकिंग करते करते
खुल जा। चलो भाई चलो चलो। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे की जगह जो बंदरगाह है उसका गेट है, वहाँ पर आर्मी वगैरह होती है, सी आई एस एफ वाले शायद होते हैं, तो वहाँ जाते हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया फिर 2-3 किलोमीटर यही वापस आना पड़ेगा, फिर गांव में जाना पड़ेगा। तो अभी समझ नहीं आ रही, भाई लोग तो शायद आगे उधर ही जा रहे बंदरगाह की तरफ, और उधर से थके, उधर से नींद आ रही है, उधर से बाबा जी ने रुकने नहीं दिया। तो भाई हम ये नहीं बोल रहे कि बाबा जी की गलती है, कुछ भी है, कभी आप लोग कमेंट करो गलत कुछ भी, कोई कमेंट गलत ना करे, क्योंकि इधर का जो आर्मी एरिया है, मतलब जो पुलिस वाले हैं ना, ये सी आई एस एफ वाले हैं, उन्होंने सख्त हिदायतें दे रखी होती हैं कि किसी को रुकने नहीं देना। एरिया ऐसा सेंसिटिव सा एरिया है भाई, पेट्रोल मतलब कच्चे तेल का इतना बड़ा बड़ा ये मतलब आई ओ सी एल के इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो बंदरगाहें कच्चा तेल आता जाता है, तो इस चक्कर में ना इधर सिक्योरिटी के इशू की वजह से ना, तो बाबा जी और को ना सख्त हिदायतें दी जाती हैं भी किसी को रुकने की परमिशन नहीं है। मैं कॉल कर रहा हूँ तुम लोगों को, मैं सोचा वापस गांव की तरफ गए हैं। भाई साहब ऐसी जगह पर भी कुत्ते भौंक रहे हैं देखते आगे से आते हैं क्या होता है, कोई दिख भी नहीं रहा, किससे बात करें, पहुंच तो गए, गेट सा दिखा है। यहाँ पे ग्रुप ही डालना पड़ेगा। हाँ इनसे पूछ लेंगे ना। इधर सीआईएसएफ वाले भैया थे, उन्होंने रुकने की व्यवस्था कर दी, आर्मी वाले थे या सीआईएसएफ वाले, तो रात को पता नहीं लगा, पर उन्होंने अपनी यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी, बोले कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर ये जगह एक, यहाँ पर जैसे मर्जी कैंपिंग कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपको खूबसूरत सा नज़ारा कल दिखाएंगे भाई। तो भाई इधर तीनों भाइयों का ना कैंप लग चुके हैं, यहाँ मैंने लगाया, उधर टिगलू भाई का, नहीं उधर दूसरे केरल वाले भाई का, और सामने मेरा लगा हुआ है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ भाई, इस टाइम पानी देख रहे हो ना, यहाँ पर है भाई, अभी ना धीरे धीरे हाई टाइड हो रहा है, सुबह जब उठेंगे ना लो टाइड हो जाएगा, बिल्कुल पानी नीचे चला जाएगा, और जब लो टाइड होगा ना तभी नरारा वो बीच है ना वहाँ पर देखने को मिलेगा भाई, जो भी समुद्री जीव है, तो उसकी वेट करनी पड़ेगी, 12 बजे फिर हाई टाइड हो जाएगा, तो हमें सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ेगा, लगभग मतलब हमें 9 बजे तक पहुँचना है, 9 से पहले पहुँचना पड़ेगा, तब कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा, बाकी फ़िलहाल ये पानी आपको सुबह उठते दिखाएँगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा थक चुके, आपको पता ही है क्या क्या वो हमारे साथ कहाँ कहाँ से भागते आ रहे हैं, तो अभी बस कुछ नहीं करना, अभी सबसे पहले सो जाना, सबसे पहले नहीं मतलब अभी सो जाना है। और जो आर्मी वाले भैया थे ना, वो बोल रहे थे अगर चाय पीनी है तो बता दो, रात को 12 बजे हम चाय बनाते हैं, तो चाय देने आ जाएंगे। फिर हमने बोला नहीं भाई हम सो जाएँ, क्योंकि थके ना, अब तो बस सो जाना है, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।